कार्तिक एक अनडिफीटेड वॉरियर जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा है, और जो देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र भी हैं और भगवान गणेश के बड़े भाई भी कहे जाते हैं। और तो और भारत के साउथ में यानी तमिलनाडु में उनकी पूजा होती है और वो सबसे लोकप्रिय भगवान के रूप में वहाँ पर पूजे जाते हैं, जिनको वहाँ पर भगवान मुर्गन और कुडबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साउथ इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर में पूजे जाने वाले भगवान शिव और माँ पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय की रोचक कहानी आखिर क्या है, यानी उनके जन्म के रहस्य से लेकर उनको छह सिर वाले देव क्यों कहा जाता है और क्यों केवल साउथ इंडिया में ही उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। तो तमाम इन सब रोचक जानकारी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको हम ये बता दें कि स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तारकासुर नाम का एक दैत्य देवताओं और तीनों लोकों को जीतने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा था, और इसकी तपस्या को देखकर भगवान शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि वो उसको वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। और तब ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए थे तो उसने भगवान शिव के सामने अमरता का वरदान मांगा ताकि उसे कोई भी युद्ध में ना हरा सके और ना कोई उसको मार सके। तो इस प्रकार का वरदान जब तारकासुर ने भगवान शिव से मांगा तब भगवान शिव ने तारकासुर से ये कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि ये वरदान नियति के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी जीव अगर इस मृत्यु लोक पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और जब तारकासुर ने भगवान शिव के द्वारा ये बातें सुनी तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया, और फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने ये दिमाग लगाया कि भगवान शिव की तो शादी हो ही नहीं है, और जब शादी ही नहीं हुई है तो उनकी कोई संतान होगी भी नहीं, और वैसे भी भगवान शिव अघोर साधु हैं तो वो कभी जीवन में शादी करेंगे ही नहीं। तो मन में ये सब विचार करने के बाद तारकासुर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहता है कि प्रभु आप मुझे भले ही अमरता का वरदान ना दें, लेकिन आप मुझे ये वरदान दे दें कि जब भी मैं किसी से युद्ध करूं तो उस युद्ध में मुझे कभी भी पराजय ना हो और ना ही वो मेरा वध कर सके, लेकिन अगर कोई युद्ध में मुझे हरा सकता है और मेरी मृत्यु कर सकता है तो वो सिर्फ आपका पुत्र ही कर सकता है, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। तो ये वरदान मांगने के बाद भगवान शिव ने तारकासुर को तथास्तु कह दिया। तब ऐसा कहा जाता है कि जब तारकासुर को ये वरदान मिल गया तो वो पहले से और ज्यादा क्रूर हो गया, तब उसने पूरी पृथ्वी पर और ज्यादा आतंक और देवताओं के बीच हाहाकार मचा दिया था। अब तारकासुर के इस आतंक से सभी देवता काफी ज्यादा विचलित हो गए। तब ऐसा कहा जाता है कि सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और फिर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को ये सुझाव दिया कि वो कैलाश जाकर भगवान शिव से ये कहें कि वो माता पार्वती से विवाह कर ले ताकि उनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो तारकासुर का वध कर दे। तब इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि तभी भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह होता है, लेकिन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह को रोकने के लिए तारकासुर और अन्य दैत्यों के द्वारा काफी ज्यादा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और अंत में माँ पार्वती और शिव भगवान का विवाह हो जाता है। तब ऐसा कहा जाता है कि जब उनका विवाह हो जाता है तब कुछ समय बाद सभी देवतागण कैलाश पहुंचते हैं और भगवान शिव से ये आग्रह करते हैं कि वो संतान उत्पत्ति करें ताकि तारकासुर का वध हो सके। तो इस प्रार्थना को लेकर सभी कैलाश पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि शिव जी और माँ पार्वती तो विवाह के पश्चात एकांतवास में जा चुके हैं, और अब सभी देवता विवश और निराश होकर जब देवदारु वन पर जा पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शिव जी और माता पार्वती एक वन के गुफा में निवास कर रहे हैं। और फिर जब सभी देवताओं ने शिव भगवान से मदद की गुहार लगाई तो उस गुफा के अंदर कोई भी आवाज जा ही नहीं पा रही थी। तब ऐसा कहा जाता है कि अग्नि देवता अपने अग्नि रूप में प्रकट होकर उस गुफा के अंदर जैसे ही बढ़े तो भगवान शिव और माँ पार्वती गहन साधना में लीन थे, लेकिन जैसे ही भगवान शिव और माँ पार्वती को अग्नि देव के आने की आहट मिली तो उनकी आहट सुनकर वो दोनों सावधान हो गए। तब गहन साधना में लीन भगवान शिव को अपनी साधना को त्याग कर
अग्निदेव के समक्ष आना पड़ा। लेकिन इतने में कामातुर शिव जी का अनजाने में ही जो सीमन था वो रिलीज हो गया और तब अग्निदेव ने उस अमोघ वीर को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया। और ये सभी इंसिडेंट तारकासुर को भी पता चल गई कि भगवान शिव और माँ पार्वती अपने पुत्र को जन्म देने वाले हैं। तब इसी बीच तारकासुर भी पहुँच जाता है, लेकिन अग्निदेव उस शक्ति पुंज को तारकासुर से बचाते हुए उसे लेकर उड़ जाते हैं। लेकिन उस शक्ति पुंज का ताप इतना ज्यादा अधिक होता है कि अग्निदेव से भी सहन नहीं होता है। इसी कारण से उस अमोघ वीर को गंगा देवी को वो सौंप देते हैं। और जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगती हैं, तब उसी शक्ति से गंगा का पानी भी बहुत तेजी से उबलने लगता है। यानी माँ गंगा शिव के दिव्य अंश की शक्ति के ताप को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हैं। और फिर भयभीत होकर माँ गंगा उस दिव्य अंश को जैसे ही शरण वन में लाकर स्थापित करने के लिए जाती हैं, गंगा माता के जल में बहते हुए वो दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही वो दिव्य अंश 6 भागों में डिवाइड हो जाता है, उसके अलग होने के साथ ही 6 अलग अलग शिशुओं का जन्म हो जाता है। और फिर जैसे तैसे माँ गंगा उन 6 शिशुओं को शरण वन में ले जाकर छोड़ती हैं, तो वहाँ पर विहार कर रही 6 कृतिका ऋषियों की पत्नियों की नजर उस बालक पर पड़ती है। और ये 6 कृतिका देवियाँ कोई और नहीं सप्त ऋषियों की पत्नियाँ होती हैं। और इन सभी देवियों को ये वरदान प्राप्त होता है कि वो इस सृष्टि की 64 आयामों में कभी भी किसी भी समय आ जा सकती हैं। और वो उस समय इस पृथ्वी के 360 आयाम में घूम रही थी। और जब उनकी नजर इन 6 शिशुओं पर पड़ी तो उनको देखकर तो उन सभी ऋषि पत्नियों में मातृत्व का भाव जाग उठा। उसके पश्चात वे उन सभी बालकों को लेकर कृतिका लोक चली गई और वहाँ पर उन बच्चों का पालन पोषण करने लगी। और अब जब इन सभी इंसिडेंट की जानकारी नारद जी ने भगवान शिव और पार्वती जी को बताया, तब माता पार्वती और शिव दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए काफी ज्यादा व्याकुल हो उठे। और फिर वो दोनों लोग कृतिका लोक चल पड़े अपने पुत्र की खोज में। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही माता पार्वती ने अपने बच्चों को देखा, वो इतनी ज्यादा भावुक हो उठी कि उन्होंने उन 6 बालकों को इतनी जोर से गले लगाया, जिसकी वजह से वो 6 शिशु एक बन गए और उनके सर 6 हो गए। और ये सब दृश्य देखकर जितनी भी ऋषि पत्नियां थीं, जिन्हें कृतिकाएं कहा जाता है, वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। लेकिन उनके द्वारा शिव और पार्वती के लालन पालन करने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। और आपको पहले ही बताया कि वो 6 बालक थे, लेकिन माँ पार्वती ने उन 6 बालकों को एक साथ इतने तेजी से गले लगाया कि वो 6 की जगह 1 हो गए, लेकिन उनके सर 6 रहे, जिसकी वजह से ही ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय भगवान के 6 सिर हैं। और उसके बाद जब कार्तिकेय भगवान कैलाश आए, तो माता पार्वती उनकी गुरु बनी और उन्हें हर एक युद्ध कौशल सिखाया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब तारकासुर से युद्ध हुआ, तो उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और उस युद्ध को जीतने की खुशी में ही देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। तभी से कहा जाता है कि कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर कार्तिकेय भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो दक्षिण यानी साउथ इंडिया की तरफ आ गए। तो इसके सबूत कुछ हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। यानी प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए और दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर बहस हो गई और उन्होंने ये शर्त रख दी कि जो भी इस पृथ्वी यानी संसार के 3 चक्कर लगाकर वापस कैलाश आ जाएगा, उसको ये फल मिलेगा और वो सबसे महान योद्धा साबित होगा। तब भगवान कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर सवार होकर पूरे संसार की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन वहीं गणेश जी ने दिमाग लगाया और उन्होंने पूरे संसार यानी पृथ्वी का चक्कर ना लगाते हुए अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के 3 चक्कर लगा दिए और उन्होंने कहा कि माँ पार्वती और शिव ही मेरे संसार हैं। अब ये बात सुनकर भगवान शिव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश भगवान को विजेता घोषित कर दिया और उनको फल भी दे दिया। और अब जब थोड़ी देर बाद भगवान कार्तिकेय 3 चक्कर लगाकर पृथ्वी के वापस आए, तो उन्होंने देखा कि गणेश भगवान को विजेता घोषित कर दिया गया है और वो फल भी खा रहे हैं, तो वो भगवान शिव से काफी ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने ऐसा कैसे विजेता उन्हें घोषित कर दिया।
तब भगवान शिव और माँ पार्वती कहते हैं कि गणेश ने हमें यानी अपने माता पिता को ही अपना संसार माना और हमारे तीन चक्कर लगा दिए, जिसकी वजह से यह सिद्ध होता है कि गणेश अपने दिमाग से काफी ज्यादा तेज और चतुर है। इसी वजह से उसको विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बात से कार्तिकेय काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें ये अन्याय लगता है। और फिर कार्तिकेय भगवान उनसे क्रोधित होकर दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर वो अगस्त ऋषि से मिलते हैं। और जब अगस्त ऋषि से उनकी मुलाकात होती है तो उनको ये पता चलता है कि साउथ में यानी उस जमाने के दक्षिण भारत में राक्षसों का काफी ज्यादा आतंक रहता है। वो आए दिन ऋषि मुनियों के पूजा पाठ में विघ्न डालते रहते हैं और अन्य मनुष्यों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। तब उनके आतंक को खत्म करने के लिए कार्तिकेय भगवान उनसे युद्ध करते हैं और वहां पर सभी दानवों का अंत कर देते हैं। और इसका सबूत है कुमार पर्वत, जहां पर उन्होंने समाधि ली थी, यानी सुब्रमण्यन नामक जगह पर उनको आराम मिला। यानी वो युद्ध करते करते इतने उब गए थे कि उनको ये समझ में आ गया था कि हजारों सालों तक युद्ध लड़ने के बाद भी इस तरीके से दुनिया को बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सुब्रमण्यन पर्वत पर आकर ऋषि अगस्त के द्वारा निर्देश देने के पश्चात उन्होंने सारी हिंसा छोड़ दी और अंतिम बार अपने तलवार को कर्नाटक की घाटी सुब्रमण्यम में साफ किया और उन्होंने कुछ समय तक वहां ध्यान किया। फिर पहाड़ पर वो चले गए, जिसे आज हम कुमार पर्वत के नाम से जानते हैं। और अब चूंकि कार्तिकेय भगवान को सारी योग कलाएं तो पता ही हैं और एक महान योद्धा होने के नाते उन्होंने अपना पूरा शरीर ही त्याग कर दिया, तो भारत के दक्षिण में यानी साउथ इंडिया में रहने के कारण ही भगवान कार्तिकेय को सबसे ज्यादा उनको पूजा जाता है और इसी वजह से उन्हें कर्नाटक का रक्षक देवता भी कहते हैं। और जो भी मनोकामना वो लेकर जाते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण भी होती हैं, क्योंकि उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो ये रही जानकारी भगवान कार्तिकेय के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। और स्पेशल थैंक्स हमारे इन सब्सक्राइबर का, जिन्होंने हमें यह सजेस्ट किया था कि आप भगवान कार्तिकेय के ऊपर वीडियो बनाइए। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये जानकारी आपको सही लगी या नहीं लगी।